कई देशों में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कि आज के समय में भी आदि मानव के जैसे जीवन जी रही हैं। ये लोग बाहरी लोगों से संपर्क रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी जनजाति है जिसकी महिलाओं के निचले होंठ में मिट्टी या लकड़ी की डिस्क पहनाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका की कुछ ऐसी ही जनजातियों और उनकी अजीबोगरीब रीति रिवाजों के बारे में। तो चलिए, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल क्वीन ऑफ फैक्ट्स पर, जहाँ पर हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसे सुनकर आप हैरान हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी जनजाति है जहाँ की महिलाओं को निचले होंठ में लकड़ी या मिट्टी की डिस्क पहनाई जाती है। सुनकर तो यह थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन यह मुरसी जनजाति की एक अनोखी परंपरा है। मुरसी जनजाति अपनी इस अनोखी परंपरा को लेकर काफ़ी चर्चा में बनी रहती है। मुरसी जनजाति का बसेरा साउथ इथोपिया और स्वीडन बॉर्डर स्थित ओमान वैली में है। इनकी कुल आबादी 10,000 के करीब है। इनके द्वारा मनाई जाने वाली इस अजीबोगरीब परंपरा को यह लोग बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया का नाम देते हैं। दरअसल इसके पीछे इस जनजाति के बुजुर्गों का मानना है कि ऐसा करने से वहाँ की महिलाओं की सुंदरता कम हो जाती है और वे कम आकर्षक दिखती हैं। यह बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया वहाँ की महिलाओं को लोगों की बुरी नज़र से बचाने के लिए की जाती है। आपको बता दें कि मुरसी जनजाति के कबीले में रहने वाली लड़कियों को 15 से 16 साल की उम्र में ही यह डिस्क यानी कि लिप प्लेट पहनाई जाती है। लिप प्लेट के नाम से चर्चित इस बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया के कारण वहाँ की महिलाएँ दुनिया भर के पर्यटकों की नज़र में आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। अब तो धीरे धीरे यह परंपरा ख़त्म होती जा रही है, लेकिन अफ्रीका में अभी भी 3 ऐसी जनजातियां बची हुई हैं जहां पर यह प्रथा अभी भी चल रही है। वे 3 जनजातियां हैं मुरसी, छाई और तिरमा। अब बात करते हैं हमारे इस वीडियो की सबसे हैरान कर देने वाली परंपरा की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी परंपरा है जिसके अनुसार यदि कोई लड़की शादी से पहले अपना मुंडन करवा लेती है तो उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। आपको बता दें कि यह परंपरा साउथ अफ्रीका के इथोपिया और सामोलिया के बीचों बीच बसी एक बस्ती में है। वहाँ पर बोरोना जनजाति पाई जाती है। बोरोना जनजाति की युवतियों को अच्छा वर पाने के लिए विवाह से पहले अपने सिर का एक बड़ा सा हिस्सा मुंडवाना पड़ता है। इस अजीबोगरीब परंपरा के पीछे वहाँ की जनजाति के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उन्हें अच्छा वर मिलता है और उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। बोरोना जनजाति की लड़कियों को शादी के बाद ही बाल बढ़ाने और उन्हें संवारने का मौका दिया जाता है। दोस्तों, आपने आम तौर पर यह तो सुना ही होगा कि ताकत पाने के लिए लोग गाय का दूध पीते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मुरसी जनजाति के लोग ताकत पाने के लिए गाय का खून पीते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ के लोग गाय का खून पीते हैं ताकि वे ज़्यादा मोटे और ताकतवर बन सकें। इतना ही नहीं, यहाँ के पुरुष महिलाओं के लिए आपस में डंडे से लड़ाई भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो शख्स लड़ाई में जीतता है उसे सुंदर पत्नी मिलती है। आम लोगों के लिए ये सब देखना दर्दनाक साबित हो सकता है, लेकिन उनके समुदाय में यह एक बहुत ही आम रिवाज है। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान भी ये लोग गाय का खून और दूध खूब मात्रा में पीते हैं। दरअसल ऐसा करने पर वहाँ के लोगों की यह वजह है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा ताकतवर होगा उसका कबीले में उतना ही ज़्यादा सम्मानजनक पद होगा। तो वहाँ के लोगों में यह होड़ बनी रहती है कि कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा गाय का खून पीकर अपने आप को कितना ताकतवर बना पाता है। दोस्तों, आज के इस मॉडर्न ज़माने में सबको फ़ोटोज़ क्लिक करवाना और सेल्फीज़ क्लिक करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कुछ लोग तो इतने फोटोलिक होते हैं कि उनका शायद ही ऐसा कोई दिन जाता है जिस दिन वो सेल्फीज़ क्लिक नहीं करते या फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करवाते। अपनी मेमोरीज़ बनाने के लिए सभी को फ़ोटोज़ क्लिक करवाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साउथ अफ्रीका की बोरोना जनजाति फ़ोटो खिंचवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती है। वहाँ के लोगों का मानना है कि फ़ोटोज़ खिंचवाने से आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है।
अभी यह सुनकर जो लोग फोटोलिक होंगे वो सोच रहे होंगे कि हमारे अंदर तो खून बचा ही नहीं होगा। मुझे ये अजीबोगरीब परंपरा और इसके पीछे का लॉजिक जानकर बहुत हंसी आई। आप इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आइए अब बात करते हैं वाइफ स्टीलिंग फेस्टिवल के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा फेस्टिवल है, इसके बारे में तो हमने पहली बार सुना है। तो चलिए मैं बताती हूँ। वाइफ स्टीलिंग फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि साउथ अफ्रीका के नाइजर में वुडाबी नाम की जनजाति में मनाया जाता है। ये वहाँ की जनजाति की एक अजीबोगरीब रिवाज है। यहाँ पुरुषों को शादी करने के लिए दूसरों की पत्नी को चुराना पड़ता है, इसलिए उस फेस्टिवल को वाइफ स्टीलिंग फेस्टिवल कहा जाता है। वुडाबी जनजाति के लोग हर साल एक ऐसा त्यौहार मनाते हैं जिसमें महिलाएं एकत्रित होकर एक मैदान में बैठ जाती हैं। इनमें शादीशुदा महिलाओं के साथ कुंवारी लड़कियां भी शामिल होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फेस्टिवल में महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष सज संवर कर आते हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का दिल जीतने के लिए पुरुषों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। गैर मर्दों की पत्नियों को चुराने वाले इस फेस्टिवल में महिलाएं अपना पार्टनर खुद चुनती हैं, जिसके लिए औरत मर्दों को कई पैमानों पर तोलती हैं। उनका मेकअप, सुंदरता, डांस आदि, इन सब को ध्यान में रखते हुए महिलाएं अपना पार्टनर चुनती हैं। मर्दों को अच्छा मेकअप करके सुंदर लगना पड़ता है, उन्हें अपने लुक्स का खास ध्यान रखना पड़ता है। इस उत्सव के लिए मर्द साल भर मेहनत करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं हमारी ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्वीन ऑफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।